एक वो दौर था जहां पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीम जब भारत वहां खेले जाती थी तो तेज गेंदबाजों के लिए पिच बनाती थी, क्योंकि भारत के पास तेज गेंदबाजी का विकल्प बहुत कम था और भारत सिर्फ स्पिन गेंदबाजी के लिए जाना जाता था। लेकिन आज वो दौर है जहां पर बुमराह, समी और सिराज, ये तिकड़ी जो है बेहतरीन गेंदबाजी करती है और अब विदेश में भी जाकर उनके घर में चैलेंज देती है कि आप पिच बनाकर तेज देखिए, हम विकेट ले लेंगे। भारत के बहुत ही बड़े गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर एक गेंदबाज बन गए हैं और भारतीय क्रिकेट इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई तेज गेंदबाज आईसीसी की रैंकिंग पर नंबर वन हो। स्पिनर हमारे बहुत ज़्यादा सफल होते हैं भारत में और न जाने कितने स्पिनर भारत के नंबर वन रहे आईसीसी की रैंकिंग में, लेकिन तेज गेंदबाजों का जो दौर था उसमें कोई भी गेंदबाज आईसीसी की नंबर वन रैंकिंग पे नहीं पहुंच पाया। हमारे पास कपिल देव, जहीर खान, इरफान पठान, मोना पटेल जो ऐसे प्लेयर थे जो स्विंग के लिए जाने जाते थे, लेकिन कोई भी गेंदबाज नंबर वन की रैंकिंग पे नहीं जा सका। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने ये कर दिखाया है और जसप्रीत बुमराह ने जैसी गेंदबाजी की है पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ वो काबिले तारीफ है। और जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से भारतीय टीम, क्रिकेट टीम का कायाकल्प किया है गेंदबाजी में, उसको देखकर लगता है कि हम विदेश में और भी बेहतर होंगे। हालांकि हम विदेश में सीरीज और अब मैच भी जीत रहे हैं, पहले ऐसे होता नहीं था, लेकिन अब स्थिति बहुत ही शानदार हुई है और इस स्थिति की जो सूत्रधार हैं कहीं ना कहीं हमारे तेज गेंदबाज हैं। जिस तरीके से ये जाकर परफॉर्मेंस करते हैं विदेश में और भारतीय क्रिकेट टीम जिस तरीके से खेल रही है, अब लगता है कि भारतीय टीम अब विदेशों में भी जैसे दूसरी टीमें स्लेजिंग करके रखती थी अब वैसा करती है। और बेहतरीन भारत के जो बल्लेबाजी है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर थी, लेकिन गेंदबाजी, फास्ट गेंदबाजी उतनी बेहतर नहीं थी जैसी भारत की बैटिंग थी। लेकिन अब भारत की पेस बैटरी बहुत ही शानदार है और हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है और आईपीएल की वजह से बेहतरीन गेंदबाज हमारे यहाँ निकले हैं। कहीं ना कहीं भारतीय टीम अब बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है और हम जिस तरीके से वर्ल्ड कप में, हालांकि वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस हमारे तेज गेंदबाजों ने किया बहुत ही काबिले तारीफ। हालांकि तेज गेंदबाजों के लिए पाकिस्तान फैक्ट्री माना जाता था, लेकिन अब भारत भी दुनिया में किसी से कम नहीं है और भारतीय क्रिकेट टीम जिस तरीके से अब सामने आई है तेज गेंदबाजी को लेकर वो काबिले तारीफ है। आप किस बारे में क्या राय है? जिस तरीके से बुमराह नंबर वन बने हैं और ये ऐतिहासिक लम्हा है भारत के लिए, क्योंकि कोई भी गेंदबाज, भारत का अब तक फर्स्ट गेंदबाज नंबर वन आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नहीं जा सका, लेकिन बुमराह ने यह कारनामा कर दिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।